लिए जिसमें खुदावंद खुदा ने हमें ये फजल दिया है कि हम खुदावंद के हजूर आ सकें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, उसके नाम को वडिया सकें, उसके नाम की महिमा गा सकें। तो आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और मेरी गुजारिश है एडवांस पार्टी साहब से कि वो सामने आए और दुआ में रहनुमाई करें आज की सारी बरकत के लिए, आज की वर्शिप के लिए, जब हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, जब हम खुदा के नाम को वडियाएंगे, तो खुदा का तख्त यहाँ पे लगे और वो हमें बरकत दे।
Thank you.
Thank you.
वर्शिप में ये इस बात का इकरार किया है कि मैं सदा तेरी तारीफ करूंगा। तो हमारे लबों पर हमेशा उसी का नाम रहना चाहिए, उसी को मुबारक कहना चाहिए। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सिर को झुकाएंगे और मेरी गुजारिश है पास्टर आशीष भट्टी से कि वो सामने आए और दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। अपने सिर को झुकाए रखिएगा।
अपने सर को झुका लें और अपने आप को कलाम खुदावंद के सुनाए जाने के लिए तैयार कीजिए। उसका तख्त लग चुका है, उसने कहा जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा हो वहां मैं मौजूद हूं। वो भूखे आया है इस बार के लिए शुक्रिया अदा कीजिए। Thank you.
मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। खुदावंद का शुक्र गुजार हूँ कि खुदावंद अज़ीम है, वो कलाम करने वाला खुदा, बोलने वाला खुदा है। जब वो कलाम करता है, जब वो बोलता है, तो जिंदगी में सुख चैन तसल्ली तशफी इत्मीनान आता है। इस मुश्किल घड़ी में जबकि हर तरफ वबा का डेरा है, इस मुश्किल घड़ी में जबकि हर कोई खौफ की हालत में है, डरा सहमा, ऐसे वक्त में मैं ईमान रखता हूँ कि अगर किसी को खुदा का कलाम मिल जाए तो वो यकीनन दलेर होगा, यकीनन उसका ईमान बढ़ेगा, यकीनन वो कलाम की कुदरत से सेहत याब होगा, क्योंकि खुदा का कलाम है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा बख्शता है। खुदा के कलाम में आपकी सेहत है, खुदा के कलाम की कुदरत आपको दलेर करती है, आपके ईमान को मजबूत करती है, और खुदा का कलाम हम सबको एक लाइन देता है, गाइडलाइन देता है, एक रहनुमाई देता है, और अगर हम उस रहनुमाई को ले लें तो मैं ईमान रखता हूँ कि कभी भी हम शिकस्त नहीं खा सकते, कभी भी हम खौफज़दा नहीं रहेंगे, क्योंकि उसके कलाम की बातें जिंदगी हैं। अगर ऐसे हाल में जबकि हर तरफ मौत का खौफ है, वबा का खौफ है, आप कलाम को बागौर सुनें, पाक कलाम को अपनी जिंदगियों में लें, तो आपकी जिंदगी बढ़ सकती है, आपकी जिंदगी में खुदा की कुदरत आ जाएगी, और ये कलाम जो जिंदगी है आपकी जिंदगी में खुदा का जोर बन जाएगा। जिंदा खुदा का जिंदा ला तब्दील और ला खुदा कलाम है, सब कहें आमीन। और ये इल्हाम जो है ये हम सबों के हाथों में हमें जो दिया गया है हम अपने घरों में रखते हैं, इसे अपने अपनी जिंदगी में रखते हैं, ईमान के साथ इसे दिल में हमने बसाया है, ये यकीनन हम सबों की सहायता करता है। आज जो मेरे दिल में खुदा का कलाम जो जोश मार रहा है वो दूसरा ग्रंथियों उसका पांचवा बाब, दूसरा ग्रंथियों पांचवा बाब और सातवीं आयत, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना सबके लिए बात से जबरदस्त रसूल इस बात को हमारे सामने रखते हैं, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, हम मसीही इल्हाम की बातों को अपनी जिंदगी में रखते हैं और खुदा पर हमारा ईमान है कि वही खालिक और मालिक है, जिंदगी का मालिक भी वही है, वही जिंदगी में हमें संभालने वाला, हमारी मदद करने वाला है। हम ईमानदार हैं, ईमान पर चलते हैं, ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा खालिक है, वो मालिक है, वो खुदावंद है, उसी के वसीला से, उसी के दम से ये दुनिया कायम है। इसलिए क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं और रसूल कहते हैं कि हम क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं आंखों देखे पर नहीं। जबरदस्त मैसेज है
अगर आप इसे गौर से सुनेंगे, पूरी तवज्जो देंगे और ईमान में सुनेंगे, तो कलाम के सुनते सुनते खौफ आपकी जिंदगी में से दूर हो जाएगा। ईमान की बात कर रहे हैं और कलाम के सुनते सुनते आपका ईमान बढ़ेगा, मजबूत होगा। और कलाम के सुनते सुनते अगर आप बीमार हैं, किसी भी दुख में, किसी भी मुसीबत की हालत में हैं, तो मैं आपको ईमान से कहता हूं कि आप शिफा पा जाएंगे। आपने खुदा के कलाम को गौर के साथ सुनना है, ध्यान के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, और इसे अपने अंदर उतरने देना है, अपनी जिंदगी में लेने की कोशिश करनी है, और आप कलाम के सुनते सुनते शिफा पा जाएंगे, बच जाएंगे, निजात पा जाएंगे। फिर से ये हवाला जो तलावत हुआ है, दूसरा ग्रंथियों 5:7, रसूल कहते हैं हम ईमान से चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। आंखों देखे की बात करते हैं, फिर मैं कोशिश करूंगा कि इस बात को आपके सामने पूरे तौर से खोल कर रख लूं ताकि आप कुवत पा जाएं। जैसे इस बात को इस तरह से करते हैं, ईमान की डेफिनेशन, ईमान है क्या? अब्राहम 11:5 की पहली आयत में जबरदस्त ईमान की डेफिनेशन हमें नजर आती है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमान की बोली बोलता, ईमान की जिंदगी बसर करता हूं, तो उसे ईमान की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, जो अब्राहम 11:5 की पहली आयत है, जो मैंने आपके सामने दिलाई है और फिर दिलाने लगा हूं। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान है क्या? क्योंकि रसूल कहते हैं कि हम ईमान पर चलने वाले लोग हैं, आंखों देखी पर जो नजर आता है उस पर भरोसा और इत्मीनान रखने वाले लोग नहीं है, हम तो ईमान पर चलने वाले लोग हैं, और ईमान जो है वो अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान ये है कि पहले उम्मीद की जाती है, भरोसा किया जाता है, इत्मीनान किया जाता है, और वो उम्मीद जो हमारी जिंदगी में होती है वो इत्मीनान में, यकीन में तब्दील हो जाती है। और फिर जब वो उम्मीद इस कदर मजबूत हो जाती है कि वो इत्मीनान की सूरत, यकीन की सूरत ले लेती है, तो फिर ईमान शुरू हो जाता है। फिर ईमान जो है वो नजर आना शुरू होता है। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप ईमान रखते हैं। ईमान के लिए, इस बात को समझने के लिए, फिर से मैं आज इस संडे फिर खुदा के कादम की बात को दोहराऊंगा। मैंने उन्हें सुना, वो कहते हैं कि पेशे के लिहाज से मैं पैलेट हूं, जहाज उड़ाने वाला। पेशे के लिहाज से मैं ऐसा शख्स हूं जो जहाज उड़ाने वाला हूं, पैलेट हूं, और मैंने बहुत ये सर्विस की है। और वो कहते हैं कि हम जब उस जहाज को ऑपरेट कर रहे होते हैं, उड़ा रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें ये कहा जाता है, बल्कि हमें ये तरबियत में सिखा दिया जाता है कि जो कुछ आपको कंट्रोल लाइन से मिले उसी को आपने फॉलो करना है।
ना कि आंखों देखे पर, क्योंकि आंखों देखा जो है वो उनको जो है वो स्क्रीन से सब कुछ नजर भी आ रहा है, आंखों से भी देख रहे हैं, लेकिन उनको कहा जाता है कि तुमने कंट्रोलर से जो तुझे रहनुमाई मिल रही है, ऑर्डर मिल रहा है, उसके मुताबिक चलना है। और ये हिस्सा भी इस तमसील से जो है बड़ा आसान हो जाएगा आपको समझने में। और वो कहते हैं कि हम कंट्रोल की बात मान रहे होते हैं, कंट्रोल से जो हमें मिल रहा होता है उसको हम फॉलो करते हैं। हमारा भी आसमानी खुदा आसमान से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, और आसमानी खुदा, मैं यूं कहूं कि हमारा कंट्रोलर जो है वो आसमान पर है, कंट्रोल रूम जो है वो आसमान पर है। वहाँ एक बड़ा दफ्तर है जहाँ से जहाँ बड़ा इंतजाम है, वहाँ से सब कुछ को कंट्रोल किया जा रहा है। वहाँ से हमें ये कलाम मिलता है और उस कलाम को हमने फॉलो करना होता है, ना कि आंखों देखे पर। अब मैं एक तमसील बाइबल की आपके सामने रखने को, गौर से सुनिएगा, पूरी तवज्जो की जरूरत होगी। 12 जासूस भेजे हैं किस शहर में, ठीक है, 12 को भेजा है, वहां जासूसी करके आनी है, वहां का हाल दरियाफ्त करके आना है, क्योंकि हमने उस शहर पर हमला करना है। वो लोग कैसे हैं, किस तरह से हैं, उस शहर का हाल क्या है। जब 12 वहां पहुंचते हैं और अपने मिशन से वापस लौटते हैं तो 10 आकर कहते हैं कि हमने वहां बड़े बड़े कादावर लोग देखे, हम उनके सामने ऐसे हैं जैसे टिड्डा दल। टिड्डा दल की बात करते हैं, इन दिनों आपने टीवी में भी देखा होगा, अगर आप नहीं तो मैं गुजरे दिनों में पंजाब जा रहा था तो मैंने देखा वो जो है बड़ी तादाद में उठकर हम जिस गोज में थे उसको सामने से लग रहे थे, यानी वो एकदम से एक टिड्डा है, हम उनकी नजर में एक टिड्डा है, हम उस शहर को फतह नहीं कर सकते। कंट्रोलर से ये आवाज आई है, कंट्रोल रूम से ये कहा जा रहा है कि तुमने उस पर हमला करना है और तुम जीत जाओगे, तुम फतह पा लोगे। 10 लोग कहते हैं हरगज ऐसा ना काम करना क्योंकि हम बड़ी मार खाएंगे। आंखों देखा ये है कि लोग बड़े बहादुर हैं, लोग जो हैं बड़े कादावर हैं, लोग जो हैं वो जंगजू हैं, वो जंगी सामान से लैस हैं। आंखें ये बताती हैं कि जिस शहर को तुमने फतह करना है उस शख्स की बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं। कहा जाता है कि उसकी अंदरूनी दीवार जो है वो 6 फीट थी और फिर बैरूनी दीवार जो है वो 12 फुट थी, और 12 और 6 कितने होते हैं, 18 फुट मोटी दीवार थी सामने। और खुदा कहता है हमला कर दो और यूं करो कि तुम्हें दीवार को तोड़ने की जरूरत नहीं। आंखें तो दिखा रही हैं 12 फुट की दीवार जो है, 18 फुट की दीवार दिखा रही हैं, यूं ही है ना, आंखें 18 फुट की दीवार दिखा रही हैं जिसको तोड़ना मुश्किल है, मुश्किल क्या ना मुमकिन है। और कितनी जो है ना थोड़े छैनियां घंटियां देंगे उसको तोड़ेंगे, आंखें तो ये बता रही हैं, लेकिन कंट्रोलर से एक आवाज आई है, कंट्रोल रूम कह रहा है, आसमानी आवाज ये है, खुदा का इल्हाम और कलाम ये है कि तुमने इसको हाथ नहीं लगाना, तुमने इसके गीत चक्कर लगाना है,
छह दिन एक चक्कर लगा के बैठ जाना है, सातवें दिन तुमने सात चक्कर लगाने हैं और फिर नारे लगाने हैं और ये द्वार खुद खुद गिरेगा। अगर ये बात नहीं मानती, आंखें ये बताती हैं ये नामुमकिन है, लेकिन कंट्रोलर से ये आवाज आ रही है, आसमान से ये आवाज आ रही है, खुदा का ये पैगाम आ रहा है, खुदा का कलाम ये है कि तुमने ये करना है, द्वार खुद गिर जाएगी। अब आंखों देखे पर चले तो फिर क्या होगा? फिर तो द्वार को तोड़ना या द्वार का गिरना नामुमकिन है, लेकिन कंट्रोल रूम से जो आवाज आ रही है, आसमान से जो आवाज आ रही है, तुमने नारे लगाने हैं द्वार गिर जाएगी, और उन्होंने ईमान रखा और नारे लगाए और द्वार गिर गई। क्योंकि वो आंखों देखे पर नहीं बल्कि ईमान पर चलने वाले लोग हैं। आज अगर हम भी ईमान पर चलने वाले होंगे, ईमान पर कायम रहेंगे और आसमानी आवाज को सुनेंगे, इल्हामी कलाम का यकीन करेंगे, तो हम यकीनन यकीनन फतह से बढ़कर गलती को हासिल कर सकते हैं। ये वबा जो बड़ी खतरनाक और मुश्किल है, इसमें से हम निकल सकते हैं अगर हम ईमान से चले। रसूल कहते हैं हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। और बनी इसराइल ने वो आवाज जो आसमान से आई है, कंट्रोल रूम से जो आई है, उसका यकीन किया है, आंखों देखकर का यकीन नहीं किया। क्या आज हम ऐसे ईमानदार हैं या ऐसे ईमान में आगे बढ़ते हैं? एक और तमसील मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक औरत है, जंगल में कुछ लकड़ियां चुन रही है, उसके पास एक शख्स आया है। वो कहता है कि मेरे लिए पानी ले आ, रोटी ले कर आ। और वो कहती है हम रोटी का सवाल न करें। क्यों? इसलिए कि हमारे घर में एक मुट्ठी आटा है और हमारे पास थोड़ा सा कुकिंग ऑयल है, हमारे वो जो कुपी है, जो कंटेनर है, उसमें थोड़ा सा तेल है, वो शायद एक पराठा बन जाएगा और वो मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए है। और आवाज आई है कि तू मेरे लिए ले आ, और उसने खुदा की आवाज को कबूल किया। उसने आंखों देखे पर अपने का जो है हटा दी है कि आंखें बता रही हैं एक मुट्ठी आटा, आंखें बता रही हैं थोड़ा सा कुपी में तेल, और वो आंखों देखे से यूं ही आंखें उठाती है और खुदा की आवाज को कबूल करती है, खुदा की आवाज पर ईमान लाती है, और वो मुट्ठी पर आटा अब कसरत में तब्दील हो जाता है, वो बढ़ता है। और जब तक वो काल है, वो और उसका बेटा उसको खा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा। ये है जब हम ईमान की बात को कबूल करते हैं, ईमान पर खड़े होते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर होता है और हम ईमान पर चलना शुरू करते हैं, ना कि आंखों देखे। आंखें देखी ये बताती, आंखें तो ये बताती हैं, सारा दिन टीवी देखा, इतने पेशेंट हो गए, उधर इतने हो गए, इतने मर गए,
ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਔਰ ਕਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਆਂਖੇ ਧੋਣੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਹੂੰ। ਆਪਕਾ ਖੁਦਾ ਆਪਕਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਹੈ, ਆਪਕਾ ਖੁਦਾ ਆਪਕੋ ਬਚਾਉਣ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਦੇਖੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਮਸੀਲ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਆਂਖੋ ਦੇਖੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੀ ਕੁੱਪੀ ਮੇਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਤੇਲ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਕਾ ਕਲਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਸਰਤ ਮੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇਂ ਬਰਤਨ ਜਮਾ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਤਨੇ ਬਰਤਨ ਤੂੰ ਜਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰ ਲੈ, ਔਰ ਇਸ ਥੋੜੇ ਸੇ ਤੇਲ ਕੋ ਜੋ ਆਂਖੋ ਦੇਖਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਅੰਡੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਸਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਬ ਗਿਆ ਬਰਤਨ ਜੋ ਜਮਾ ਕੀਏ ਗਏ ਹੈ ਵੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਤੇਲ ਅਬ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਕਲਾਮ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਬਰਤਨ ਜਮਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਤਨੇ ਤੂੰ ਜਮਾ ਕਰੇਗੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਭਰ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਅਲਹਾਮ ਖੁਦਾ ਕਾ ਕਲਾਮ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਜੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਪਰ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਹਮ ਕਿਆ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਥੋੜੇ ਪਰ ਦੇਖਤੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਕੋ ਦੇਖਤੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬੜਤੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਸਕੋ ਈਮਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਆਟਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਆਟਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸਮੇ ਕਸਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਬ ਖੁਦਾ ਕਾ ਕਲਾਮ ਉਸਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਂਖੋ ਦੇਖੇ ਪਰ ਸੇ ਆਂਖੇ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਕਸਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਹੈ ਯੇ ਥੋੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸਮੇ ਸੇ ਹਮਨੇ ਦੇ ਦੀਆ ਤੋ ਹਮ ਕਿਆ ਖਾਏਂਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਮ ਕਿਆ ਖਾਏਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੈ ਯਕੀਨੀ ਦੇਤੇ, ਉਹ ਅੰਕ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰ ਖੜੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਸਸੇ ਆਗੇ ਬਢਤੇ ਹੈ ਈਮਾਨ ਪਰ ਚਲਤੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਕਸਰਤ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਕਾ ਜਲਾਲ ਉਨਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਸਾਖੀ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਰਸੂਲ ਯੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਈਮਾਨ ਪਰ ਚਲਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਂਖੋ ਦੇਖੇ ਪਰ, ਹਮੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਈਮਾਨ ਪਰ ਚਲੇ ਨਾ ਕਿ ਆਂਖੋ ਦੇਖੇ ਪਰ। ਈਮਾਨ ਯੇ ਹੈ, ਇਲਹਾਮ ਯੇ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਸੇ ਯੇ ਬਾਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬੁੱਕ ਸੇ ਹਮੇ ਯੇ ਸਬਕ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਵਬਾ ਤੇਰੇ ਖੈਮਾ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਆਂਖੇ ਯੇ ਬਤਾਤੀ ਹੈ ਵਬਾ ਫੈਲਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਮੇ, ਉਸ ਪੈਲਟ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਕੋ ਉਡਾਤਾ ਹੈ, हमने क्या करना है, आंखों देखे पर नहीं चलना, कंट्रोल लाइन से जो आवाज आ रही है रहनुमाई मिल रही है उसी को कबूल करना है। आसमान से ये आवाज आती है, आसमानी खुदा ये कहता है मैं तुम्हारा मुहाफ़िज़ हूँ, खा मौत के साए की वादी में से गुजर हो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, कोई हमें फना नहीं कर सकता क्योंकि हम खुदा। अगर हम ईमान रखेंगे तो यकीनन खुदा की कुदरत को हासिल करेंगे, हम खुदा के फजल को अपनी जिंदगी में लेंगे और खुदा की कुदरत हमारी जिंदगी में जोर से काम करेगी। हम देखते हैं 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां है। आंखों देखा क्या है जी, आंखों देखा ये है 5 रोटियां और 2 मछलियां,
साहब कह रहे एक बंदे नहीं भी काफी है। पांच रोटियां और दो मछलियां, आंखों देखा हाल तो ये है। ईमान ये है कि इनको बिठा दो, सबको खाने को मिलेगा। और वही पांच रोटियां और दो मछलियां हजारों लोगों के लिए काफी हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने आंखों देखे से, आंखों देखे पर बात नहीं है, ये तो ईमान की बात है, ये तो खुदा पे भरोसे और यकीन की बात है। और आज कलीसिया क्या है, कहाँ है, क्या ईमान पर चलने वाली है, क्या ईमानदार लोग खुदा पे भरोसा करने वाले नजर आते हैं, क्या ईमानदार खुदा के हजूर में इस तरह से कायम है कि वो आसमानी आवाज को सुने और फिर दुनिया से आंखों को हटा ले, कहें नहीं, जो कुछ ऊपर से आवाज आई है, जो आसमान से आवाज आई है, जो कंट्रोलर से हमें पैगाम मिला है, आसमानी मकामों से जो हमें मिला है, वो दुरुस्त है। यही हम इस पर कायम होंगे, हम बच जाएंगे, हमें कुछ नुकसान नहीं होगा। आप ईमान पे खड़े होकर देखें, ईमान में कायम होकर देखें, आप ईमान पर चल कर देखें। ये औरत मुट्ठी भर आटा है, ईमान पर चलना शुरू कर दिया। औरत की कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, ईमान पर चलते हुए बहुत से बर्तनों को जमा कर रही है और उनको भर रही है। ये लोग शहर को फतह करना चाह रहे हैं, शहर की दीवार कोई तकरीबन 18 फुट है, इतनी मोटी दीवार है, उसको वो फतह करना चाह रहे हैं। खुदा कहता है कि दीवार टूट जाएगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, फक्त चक्र लगाओ और नारे लगाओ और वो दीवार टूट जाती है। क्योंकि इल्हाम ये है, आसमान से आवाज ये है, कंट्रोल रूम से ये कहा जा रहा है, दीवार टूट जाएगी, तुमने हाथ नहीं दीवार को लगाना, कोई थोड़े मारने की कोई जरूरत नहीं, दीवार टूट जाती है। क्या आज मैं और आप ऐसे ईमानदार हैं, क्या हम वहां से आसमान से जो आवाज मिल रही है, इल्हाम से जो हमें कलाम मिल रहा है, इल्हामी किताब जो हमारे हाथों में है, हम रोज इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या हम इस पर ईमान रखने वाले लोग हैं? अगर ऐसा नहीं तो जरूरत है कि हम तब्दील। फिर मैं नैनवा शहर की बात करके इस बात को महसूस करूँगा। मेरे पास बहुत सी तमसीलें और भी हैं, वक्त नहीं कि हम और बहुत सी बातें करें। नैनवा शहर की बात, नैनवा के लिए खुदा का प्लान है कि मैं इस शहर को 40 दिन के बाद बर्बाद कर दूंगा। नैनवा के लोगों को खुदा के नबी ने जाकर बताया 40 दिन के बाद आपका शहर बर्बाद हो जाएगा। 40 दिन के बाद बड़ा अच्छा नबी है, पिछले हाल को भी आप जानते हैं कैसे कैसे ये वहां पहुंचा है। अब भी इसने जल्दी की है, 40 दिन कैसे पूरे बाहर निकल गया, इन्हें शहर ने तो बर्बाद हो जाना, तू तो निकल निकल गया। लेकिन उस मनादी जो इसने की थी कि 40 दिन के बाद शहर बर्बाद हो जाएगा, वहां का बादशाह होश में आ गया। उसने कंट्रोल लाइन से जो आवाज आई है उसको यकीन कर लिया कि वाकई ऐसा होगा, और उसने बादशाह ने, नबी ने नहीं, काहिन ने नहीं, पादरी ने नहीं, किसी बिशप ने नहीं, बादशाह ने रियाया को एक आर्डर दिया है, एक हुक्म निकाला है, बल्कि उसमें एक उसको बड़े को ऐसा लगता है कि इल्तिजा की है कि सब के सब रोजा रखो, और रोजा काफी नहीं होगा, अपनी पूरी रफ्सों से फिर छाओ,
यानी तौबा कर लो और हमारा शहर बन जाएगा। और उन्होंने यूं ही सच्ची तौबा की, रोजा रखा और वो शहर बच गया, वो शहर बच गया। मैं आप सबको जो मुझे देख रहे सुन रहे हैं, मैं आप सबको ये कहूंगा, वक्त है तौबा का, वक्त है अपने गुनाहों के इकरार का, वक्त है अपने गुनाहों को छोड़ने का, बुरी रफ्तों से पास आने का। और यूं ही हम कलीसिया लोग बुरी रफ्तों से फिरेंगे और उसके हुजूर इल्तिजा करेंगे कि ऐ खुदा, कोरोना वायरस को हमारे मुल्क से निकाल, हमारी जिंदगियां इसके वजह से परेशान हैं, हमें रहाई दे। और मैं ईमान रखता हूं कोरोना की हसीयत कायम नहीं रहेगी और आप फतेह होंगे, आपके आवाज खुदा के हजूर में तौबा के साथ जानी जरूरी है। सच्ची तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करके माफी मांगे और खुदा की स्ताइश करें। मैं आपके साथ मिलकर अपने मुल्क की सलामती जाना चाहूंगा। आए हम अपने सर खुदा की हजूरी में जाएं और सब दुआ करना शुरू करें, अपने मुल्क की सलामती जाएं। हालेलुया, पूरी दुनिया में जो वबा का राज है, इस मौका पर इस वबा को यीशु के नाम से डांटे, सच्ची तौबा के साथ खुदा की स्ताइश करें। फादर मुतलिक खुदा, यीशु मसीह के नाम में मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू अजीम और तेरा वादा है कि तू अपने लोगों का महाफज है और मुसीबत के वक्त मुस्तहक मददगार है। मैं ईमान रखता हूँ इस मुसीबत की घड़ी में तू अपने लोगों के साथ है और तू अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। बस एक खुदा खुदा तेरे हुजूर इंतजार करता हूँ कि तू अपने लोगों को संभाल, इनके ईमान को मजबूत कर। हम सब जो मिलकर दुआ कर रहे हैं कि तू हम पर रहम कर, हमारे मुल्क पर रहम कर, हमारे शहर पर रहम कर, यीशु मसीह के नाम से फिर से बहाली आ जाए, कोरोना वायरस को यीशु के नाम से शिकस्त हो जाए, ये डेथ हो जाए, पूरी दुनिया इस वबा से छुटकारा पाए, जितने मरीज हैं वो यीशु मसीह के पास नाम से शिफा पा जाए। और ऐ खुदा खुदा इस मौका पर जितने ऐ खुदा खुदा हॉस्पिटल का अमला डॉक्टर, ऐ खुदा खुदा इस मौका पर ऐ खुदा खुदा इस कोरोना के खिलाफ जंग में ऐ खुदा सफाइयों के तरह से खड़े हैं, ऐ खुदा इनकी मदद करना और इनको भी महसूस रखना, मसीह के नाम से तू सबको संभाल। खुदा खुदा हमारे मुल्क की सलामती हो, आला बाला अफसरान की सलामती, आलम की सलामती हो। खुदा ऐ खुदा खुदा मसीह के नाम में फौज पर तेरी बरकत आ गई, फौज पर तेरा फजल, खुदा खुदा हमारी सरहदें तेरे नाम से महफूज रहें और सारा जनाब से मिले, हर एक छोटी अदारे पर तेरी बरकत आ गई। खुदा सलामती हो, यीशु के नाम में मांग।